नमस्कार, मैं हूँ भारती भारद्वाज। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज की कुछ मुख्य समाचार देखें। हरिद्वार सीतापुर जमालपुर रेलवे फाटक पर किसी भी दिन हो सकता है बड़ा हादसा। हरिद्वार सीतापुर जमालपुर रेलवे फाटक पर प्रतिदिन जाम लगने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर जमालपुर रेलवे फाटक को ट्रेन आने के लिए जैसे ही बंद करते हैं तो कुछ ही देर में दोनों तरफ वाहनों की काफ़ी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। वाहनों की लाइन इतनी लंबी लग जाती है कि रेलवे फाटक खुलने के बाद भी वाहनों की लाइन ख़त्म नहीं होती और दूसरी ट्रेन आने का समय हो जाता है। जैसे तैसे बीच में ही वाहनों को रोककर दोबारा फाटक बंद किया जाता है तो कुछ मोटरसाइकिल और साइकिल सवार फाटक के बीच में भी फंस जाते हैं, जिनको काफ़ी मशक्कत के बाद निकाला जाता है। वो किसी हादसे का संकेत देता है, जबकि संबंधित अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, या ये कहें कि वे किसी आने वाली घटना का इंतजार कर रहे हैं। सीतापुर जमालपुर में रेलवे फाटक बंद होने पर लगने वाले जाम का सबसे बड़ा कारण है बड़े और भारी वाहनों का आवागमन, जो कि संबंधित अधिकारियों द्वारा रोके भी जा सकते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी शायद किसी बड़ी घटना घटने का इंतजार कर रहे हैं। हरिद्वार से राजकुमार की खास खबर।